बेगूसराय में आज एसपी कार्यालय पर लोगों ने जमकर हंगामा किया। बताते चले कि दीपक के द्वारा 27 मई को प्रीतम को पकड़कर चाकू से गोदकर हमला कर दिया था। उसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज सदर अस्पताल बेगूसराय में चल रहा था। पुलिस पर आरोप लगाया गया, परिवार वालों ने किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही है और बार बार उसके द्वारा धमकी दी जा रही है। इसी के चलते आज एसपी कार्यालय आकर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो यहीं पर हम लोग बैठे रहेंगे। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि जब जब थाने पर जाते हैं तब तक थाना प्रभारी के द्वारा हम लोग के साथ बदतमीजी करते हो थाना से भगा देते हैं। बेगूसराय बिहार से अवधेश कुमार की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। सर प्रीतम जा रहा था साया काम करने के लिए, तो दुकान पर दीपक और दीपक का अथी भरत कुमार बैठल था। वो बुलाया बोला कि प्रीतम यहाँ इधर आओ। वो गया तो उसको लाइटर लेकर को होंठ जला दिया और उसके बावजूद हुआ कि दोनों गाली गलौज हुआ, मारपीट हुआ। बस सब लोग वहाँ पर स्थानीय लोग जो था ना सब मिलकर छुड़ा दिया। वो दीपक भाग गया घर गया और वो प्रीतम वहीं पर खड़ा रहा। दीपक कुमार आया और चाकू लेकर गया, भरत पीछे से पकड़ ले था, दीपक कुमार छुरा मार दिया। पुलिस कार्रवाई क्या हुई है इसमें? पुलिस कार्रवाई जब 27 पाँच से दौड़ते दौड़ते हम परेशान हो गए और जब हल्ला चिल्ला किए हम 29 तारीख को 27 पाँच से लेकर के 29 तारीख तक हम गुहार लगाते न्याय का भीख मांगते परेशान हो गए, लेकिन फिर भी थाना प्रभारी कोई नहीं सुने। जब अंतिम में जाकर हल्ला किए तब अरविंद कुमार सुमन वहाँ पर गए। प्रीतम उस समय में रिपोर्टी बयान देने के लिए सक्षम नहीं थे। अपना दीपक कुमार का सिर्फ भरत कुमार का नाम बताया और किसी को उसका माँ बाप जो झगड़ा के जगह पर था उसका नाम वो नहीं बता सका। गिरफ्तारी हुई है अपराधी? नहीं हुआ है। और जब कितना उस दिन से जब जाते हैं थाना पर तो डांट दबार करके भगा देते हैं। हर वक्त बोलते हैं मुजरिम पकड़ाएगा तब ना कुछ करेंगे, मुजरिम नहीं रहेगा किसको पकड़ाएंगे। वार्ड कमिश्नर के यहाँ बोलने गए तो एक बार पेशेंट को देखने भी नहीं आया। केस नहीं उठाएगा तो उसको ने जब जेल जेबे करेंगे हम उसको मार कर ही जेल जाएंगे। मर्डर कर कोई, अगर एक बेटा को हम खून किए हैं फिर दोबारा बेटा को भी खून कर सकते हैं, उसका पिता को भी खून कर सकते।